अल्लाह था कोई तो ये दरिया पार किए हमने, अल्लाह ना होता तो कब के मर चुके होते। ये बेवफाइयों का सफर, ये गद्दारियों का सफर है, इसमें एक मासूम मोमिन नहीं रह सकता। उसे अपने ईमान को बचा के जाना है। कितने ही ईमान वाले थे, जाया हो गए, वो नहीं बचा सका वो इस दुनिया में ईमान अपना। ये दुनिया कच्ची ईंट है, ये यही पे तुझे फितने आएंगे, इसी से वसवसा आएगा तुझे। जितनी कम रखेगा उतना मुश्किल है तुझे गुमराह करना। वसवसा वही आता है जहां कमजोरी होती है। वल्लाही मैंने अपनी जिंदगी में कमजोर तरीन अय्याम देखे हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में वो जंगे लड़ी हैं जब अल्लाह मेरे साथ था। अल्लाह था तो ही तो ये दरिया पार किए हमने, अल्लाह ना होता तो कब के मर चुके होते। ये बेवफाइयों का सफर, ये गद्दारियों का सफर है, ये फिरौनों की दुनिया है, ये मुतकब्बरों की दुनिया है, ये फासिकों की दुनिया है। इसमें एक मासूम मोमिन नहीं रह सकता। उसे अपने ईमान को बचा के जाना है। कितने ही ईमान वाले थे, जाया हो गए, वो नहीं बचा सका वो इस दुनिया में ईमान अपना। हां अगर दीन है, ईमान है, दोस्त हैं, उलमा हैं, अहलुल्लाह तेरे साथ हैं तो शायद बच जाएगा, और इंशाल्लाह बच जाएगा, वरना कोई गारंटी नहीं है। ये मजहबी जमातें मफतून हो चुकी हैं, ये दीनी जमातें मफतून हो चुकी हैं, ये फिरके मफतून हो चुकी हैं, ये सब मफतून है। क्योंकि उसे एक टाइम पर कोक की बोतल में शराब डालनी पड़ेगी। यमीज़ुल खबीसा मिन तैयब नहीं हो सकता, मुश्किल काम है ये। बड़ा आलिम चाहिए उसके लिए, बड़ा रासिख अकीदे का आदमी चाहिए, ये बच्चों का काम नहीं है। इधर दो जुमले नहीं निकलने और आ जाएगा अंदर फटका। और याद रखें, हम जादू का इलाज करते हैं, हमारे खानदान के लोग, हमने जितने केसेस जादू के देखे और जिन्न के देखे जो अंदर घुसे हैं हलूल के अंदर, एक कच्ची ईंट थी उसके, उसमें एक कच्ची ईंट थी, वहीं से घुस गया। वसवसा भी वो कच्ची ईंट को देता है, पक्की ईंट पर कभी नहीं आएगा शैतान। वो कच्ची ईंट है, ये दुनिया एक कच्ची ईंट है, दीन सबसे पक्की ईंट है, ये दुनिया कच्ची ईंट है, ये यही पे तुझे फितने आएंगे, इसी से वसवसा आएगा तुझे। जितनी कम रखेगा उतना मुश्किल है तुझे गुमराह करना। वसवसा वहीं आता है जहां कमजोरी होती है।